बड़े बिल्कुल ऐसे खूबसूरत ही। नजर आ रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं, नहीं असल में किया हमारा काम खुला ना, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। बहुत खुशी नजर आ रही है। लव किससे किया था? जाहिर सी बात है, मैं फील्ड में थी, बात एंड यहीं पे होता है कि आप फील्ड की हो। घूमने फिरने का शौक है? नहीं, घर पे बैठ के अपनी, मुझे ज्यादा जो है, मेरा दिल जो है वो, मैं कहती हूँ अपनी माँ को ज्यादा से ज्यादा टाइम दूँ। लड़का किस तरह का पसंद है, जिसके साथ कहीं लव होगा, शादी होगी? जी नाजिम, आज नाज थिएटर में मैं मौजूद हूँ, और हम चलते हैं कि जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रही होती हैं हमारी एक्ट्रेसेस, तो उनको देखते हैं उनका मेकअप रूम कैसा है और किस तरह वो मेकअप कर रही होती हैं, मेकअप के बगैर कैसी लगती हैं और मेकअप के बाद कैसी लगती हैं जब वो स्टेज पे आती हैं। तो आइए चलते हैं, हम मेकअप रूम देखते हैं और किसी अपनी अदाकारा के साथ गुफ्तगू भी करेंगे। जी आज हमें इकरा खान मिल गई हैं और वो भी मेकअप करते हुए। इकरा कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये क्या कर रहे हैं? हम ये बस हम रेडी हो रहे हैं, अभी हमारी रहसले चल रही हैं ड्रामे की। अल्लाह का शुक्र है हमारे ड्रामे ओपन हो गए हैं। अच्छा, तो तो अपना बनाव श्रृंगार कर रहे हैं कि बगैर मेकअप के कुछ और नजर आते हैं, मेकअप के बाद आपको कुछ और नजर आते हैं, ये क्या है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतना मेकअप नहीं करते कि जो मतलब पब्लिक भी परेशान हो जाए कि इन्होंने इतना मेकअप किया हुआ है। अच्छा, लाइट सा मेकअप करते हैं जो पब्लिक को ओरिजिनल नजर अभी आए। आपने क्या क्या किया? अभी मैंने सिर्फ ब्रश ऑन किया और लिपस्टिक लगाई है बस, और बस कुछ भी नहीं किया। ब्रश के साथ ऊपर क्या क्या लगाया था? ब्रश के ऊपर ये देखे, ब्रश पे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ मैंने ब्रश ऑन किया है और बड़े लिपस्टिक बड़े लगाई है। खूबसूरत नजर आ रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं, असल नहीं में हमारा काम खुला ना, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। बहुत खुशी नजर आ रही है। तो थोड़ी सी बातचीत हो सकती है? जी जी जरूर, क्यों नहीं। अभी में हम अब थोड़ी सी हल्की फुल्की गुफ्तगू भी करते हैं इकरा खान के साथ, और कुछ सवाल के जवाब भी जानते हैं कि ये निखर गए हैं तो निखरने की वजूहत क्या है, ये आज जानते हैं हम इकरा खान से। अच्छा, लव किससे किया था? लव जिसे किया था, लेकिन वो फील्ड के नहीं थे, वो अच्छा। फील्ड से बाहर के हैं। तो लेकिन जाहिर सी बात है, मैं फील्ड में थी, बात एंड यहीं पे होता है कि आप फील्ड की हो। अच्छा, तो इसलिए फिर हमारा लव शव जो भी है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। सही है। तो घूमने फिरने का शौक है? घूमने फिरने का मुझे इतना शौक नहीं है, मुझे ज्यादा शौक है अपने घर पे टाइम देने का। अच्छा, घर में बैठ के क्या करते रहते हैं? अच्छा, अगर आप इस्तेमाल करते हैं? नहीं, घर पे बैठ के अपनी, मुझे ज्यादा जो है, मेरा दिल जो है वो, मैं कहती हूँ अपनी माँ को ज्यादा से ज्यादा टाइम दूँ, अपनी माँ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ। अच्छा। क्योंकि हमें जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ ही रहूँ। अच्छा, तो लड़का किस तरह का पसंद है, जिसके साथ कहीं लव होगा, शादी होगी? मुझे अपनी पसंद पे ना ज्यादा वो यकीन नहीं है, मुझे यकीन है अपने नसीबों पे। मुझे पता है अल्लाह पाक तेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। क्या इस्तेमाल करते हैं? बहुत खूबसूरत हैं। मैं तो कुछ भी नहीं इस्तेमाल करती, मैं जैसी हूँ सामने हूँ। बहुत यंग नजर आते हैं, लेकिन आपकी इतनी एज नहीं है, फिर भी क्या ऐसे ही खाते हैं, कोई वॉक करते हैं, कोई जिम करते हैं? ट्रेनर कौन है आपका? मैं जिम वगैरह बिल्कुल नहीं करती हूँ, हमारी ये जो डांस रहस्य होती है यही हमारी एक समझ लें एक्सरसाइज है, हमारी जिम है यही। इतनी आपकी बॉडी, और आप कह रहे हैं कि आप जिम नहीं करते? नहीं, मैं जिम करती नहीं हूँ, मैंने जिम कभी भी नहीं की है, और ये वैसे भी ज्यादातर नहीं मानते हैं, वो यही समझते हैं कि पता नहीं आप जिम करती हो, लेकिन मैंने कभी जिम नहीं किया। इकरा खान की एजुकेशन कितनी है? सच बताऊं तो मैं कुछ नहीं पढ़ी हुई हूँ। मैं दुनिया में ऐसे ही घूम रही हूँ। अच्छा, दुनिया में आप ऐसे ही घूम रही हो। शॉपिंग कौन करवाता है? शॉपिंग मेरी ज्यादातर शॉपिंग मेरी मामा करती है, मेरी सिस्टर करती है, मैं शॉपिंग का शौक ही नहीं रखती हूँ ज्यादा। कभी कोई स्पॉन्सर नहीं करवाता? नहीं, ज्यादातर हाँ, मुझे अगर कोई चीज पसंद आ गई है तो वो मेरे लेकर छोड़नी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। किस किस मुल्क का टूर किया हुआ? मैं काफी मुल्कों में गई हूँ, मैं जापान भी गई हुई हूँ, मैं ये मस्कत गई हुई हूँ, और अलैन गई हुई हूँ, दुबई भी गई हुई हूँ, मतलब काफी मुल्क में गई हूँ। मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा वो मुझे मस्कत, थोड़ा वो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, आज तक कितने ड्रामे कर लिए? ये तो गिनती नहीं है ड्रामों की, क्योंकि ड्रामे तो मैंने बेहद आशा की है, बहुत ड्रामे किए मैंने स्टेज, बहुत ज्यादा। क्या वजह है कि आप फर्स्ट फिल्मों की तरफ निकल गई, वहाँ पे आपने बहुत परफॉर्म किया? नहीं, वजह तो कुछ भी नहीं थी, वजह सिर्फ ये है कि कहते हैं ना, हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम कहते हैं हम हर काम में अपना हाथ डालें, हम जिस काम में सूट करता है ना, हम लोग वो काम जरूर करें। इन्होंने कितना कमाते हैं?
महीने का अब ये हम हिसाब नहीं लगाते हैं क्योंकि हमारे जैसे ही आते हैं और वैसे ही जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ है कहाँ। टैक्स वगैरह, टैक्स तो हम लोग देते ही हैं, लेकिन इतना मैं टैक्स नहीं देती हूँ, लेकिन टैक्स तो अभी मेरा बनता भी नहीं है ज्यादा। अच्छा, इस वजह से मैं टैक्स देती हूँ, बहुत कम ही देती हूँ। तो अगर कोई दिल जलाप कोई फरमाइश करे तो क्या करते हैं? फरमाइश, फरमाइशों में जो भी मुझे फरमाइश करता है, मेरा सीधा सबसे पहले इनकार ही होता है। सबको इनकार करते हैं, सबसे पहले इनकार होता है मेरा। उसके बाद अच्छी जान पहचान होती है, थोड़ा बैठते हैं, बातचीत होती है, उसके बाद इंसान करता है ना जो भी करता है। तो ऑफर्स भी आती होंगी जब थिएटर्स कर रहे होते हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं, लोग कुछ बातें तो करते हैं, किस तरह के आते हैं? बिल्कुल, बहुत से लोग मिलना भी चाहते हैं, बहुत से लोग खाना खाना चाहते हैं, बहुत से लोग जूस भी लाना चाहते हैं, लेकिन इंसान उनके साथ जाता है जिसपे उन्हें इत्मीनान हो। तो आपने भी किसी का जूस पिलाया? नहीं, मैंने किसी को जूस नहीं पिलाया, ना मैं पिलाती, मैं बहुत कंजूस हूँ वैसे। यानी कि आपने नाज़िम हमें भी कुछ नहीं उन्होंने पिलाया, ये कंजूस है, आपने मुझे इकरार कर रही है। कैसी बात है? नहीं नहीं, आप आए, मैंने आपको पूछा है कुछ खाना पीना है, आपने यहाँ बताया, आपने बोला कि मैंने कुछ नहीं खाना। अच्छा, तो थिएटर्स ओपन हो गए? जी बिल्कुल। कितने एक्साइटमेंट थी जब थिएटर बंद हो गए थे, तो क्या सोचा था? जब थिएटर बंद हुए हैं तब तो हमारे सबके ही बहुत बहुत ज्यादा बुरे हालात थे, बहुत बुरा, हम लोग सोच रहे थे कि आगे का पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये अल्लाह पाक का शुक्र है जितने भी दिन गुजरे हैं बहुत अच्छे गुजरे हैं, लेकिन अब हमारा थिएटर दोबारा से ओपन हुआ है, हम बहुत हैप्पी है, हमारे मुंह में नजर आ रहा होगा हैप्पी। आपके चेहरे से नजर आ रहा है नाज़रीन, वैसे ही खूबसूरत आज नजर आ रही है, जब थिएटर बंद हुए थे तब हम मिले थे तो खूबसूरत नहीं नजर आ रही थी, तो आज हमसे पहचाना नहीं गया कि यही इकरा है, हम लोगों को ढूंढ रहे थे, पूछ रहे थे इकरा हाँ कौन से है यहाँ पे, लेकिन हमें पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल, टाइम लगा होगा, टाइम लगेगा। ये मेकअप का ये कहीं इशू नहीं है या फिर क्या? नहीं, बल्कि आपके पहले इंटरव्यू पे मैंने ज्यादा मेकअप किया हुआ था, अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो लेकिन हमने आपको देखा मेकअप रूम के अंदर है कि एक रहा मेकअप रूम में, वो मैं सोच रही थी ना, मुझे पता चल गया था आप लोग आ रहे, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं थिएटर्स का मुस्तकबिल आगे? मैं जो देख रही हूँ मुझे यही नजर आ रहा है कि अब इंशाल्लाह साफ सुथरा और अच्छा काम होगा, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। कहा जाता है थिएटर्स में बहुत पॉपुलैरिटी आ गई है, अदाकाराएं फांसी पिला रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल, ये राइट बात है, ऐसा ही होता रहा है तो चलता रहा है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पे उन्होंने पकड़ लिया उस काम को, लेकिन ये हद से ज्यादा बढ़ जाता तो हमारे जो आने वाले जो नस्लें उनके लिए खराब होना था। कभी आपने भी अपने आप को फेम देने के लिए कुछ किया तो होगा? नहीं, मैंने कभी भी अपने आप को फेम देने के लिए कुछ भी ऐसी हरकत या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्रोड्यूसर्स की डिमांड भी होती होगी? जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे हैं, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, जो जिनके पास मैं काम करती हूँ वो बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार वाले हैं, और उनका ये भी नहीं है कि हर कोई गंदी नजर रखता हो या हर कोई ऐसा सोचता हो, जरूरी नहीं है इस चीज़। मूवीज के प्रोड्यूसर के साथ तो नहीं, वही बात आ गई ना, मेरे अपने आप को आप जैसा दिखाएंगे वैसा नजर आएगा ना इंसान, फिर वैसे ही आपको वो समझेगा और करेगा। और किसी कमर्शियल में काम जब किया हो तो वहाँ पे भी डिमांड तो बहुत होती है, कमर्शियल तो मिलता ही था। डिमांड्स होती हैं, लेकिन इंसान अपने आप को खुद वो करेगा कि मुझे आप डिमांड करें या नहीं करें, वो इंसान खुद अपने आप को दिखाता है जैसा भी है। इकरा खान, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इकरा खान की, उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद ही होगी। अपने मेहमान को दीजिए इजाज़त।